मुरादाबाद में राम गंगा बचाव संघर्ष समिति के अध्यक्ष संत रामदास ने हिंदू संगठनों के दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 14 फरवरी में जब हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा अलग अलग समुदाय के युवक युवती की शादी का विरोध किया था। आरोप है कि तब मुरादाबाद के एसपी सिटी अमित आनंद व एएसपी दीपक भूरक ने उनके साथ अभद्रता की और उनके कपड़े फाड़ दिए थे। उन्होंने मांग की है कि दोनों अधिकारियों को निलंबित किया जाए। अगर दोनों अधिकारियों को निलंबित नहीं किया गया तो वो एक हफ्ते के बाद अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। जानकारी के अनुसार 14 फरवरी में थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रेस्टोरेंट में अलग अलग समुदाय के लड़की लड़की की शादी की रिसेप्शन पार्टी थी, जिसकी जानकारी हिंदू संगठन के लोगों को हुई तो उन्होंने इस पार्टी का विरोध किया था, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने हिंदू संगठन के 60 लोगों को धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। मुरादाबाद संवाददाता बाजी दिल्ली की रिपोर्ट। क्या हुआ था आपके साथ और जिसको लेकर आज आप एक डेलीगेशन के साथ आए हैं, क्या ज्ञापन है पूरी बात? आज हमारे संघ 14 फरवरी 2020 को एक हिंदू लड़की द्वारा मुसलमान लड़के से शादी की गई, जबकि ये शादी लगभग 3 साल पहले हो चुकी थी। 6 महीने पहले इसने कुड मैरिज की और तीसरी बार अब 14 फरवरी को ये हिंदू रीति रिवाज के साथ फिर शादी कर रहे थे, तो हमने इनका विरोध किया। और जब हम विरोध कर रहे थे तो हमारे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने SSP ने सामने कहा, वो SP सिटी साहब ने और CO सिविल लाइन ने हमें उठाकर बंद कर दिया। हमारे संग बदतमीजी अभद्र व्यवहार किया, मेरे कपड़े तो फट गए और 2 लोगों को अंदर मारा। तो हमने इसी उस विरोध में आज हमने जिलाधिकारी माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है कि इनको तत्काल प्रभाव से इन्हें सस्पेंड किया जाए। तो अगर नहीं अगर होती है आपके ज्ञापन पर कार्रवाई तो क्या अगला कदम? तो हमारा अगला कदम भूख हड़ताल आंदोलन जो भी करना पड़ेगा, इसमें अगर हम अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो हम, क्योंकि एक हम सम्मानित व्यक्तियों के साथ भगवादारियों के साथ इतना बड़ा अपमान हुआ है, ये अपमान हम सहन नहीं करेंगे। अगर इसे तो हमें मर जाना ही अच्छा है। कौन कौन पुलिस अधिकारी हैं मुख्य? इसमें SP सिटी और CO सिविल लाइन। तो आप उनके हटाने की मांग कर रहे हैं? जी, निलंबन की। तो क्या DM साहब ने क्या उनका, हमने इसको इंक्वायरी करेंगे, उसको SSP का कॉल दिया। मिले आप लोग? अभी नहीं मिले। मिलेंगे अब? नहीं मिलेंगे, पहले इनके जान दीजिए उसके बाद मिलते हैं। कौन सा संगठन है आपका पूरा? हमारा हिंदू युवा वाहिनी संगठन है। कितने लोग थे इसमें? करीब 100 लोग हैं, बाकी इसमें सारे हिंदू संगठन, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे हिंदू महासमाज हो, हिंदू समाज पार्टी हो, हमारे संघ सारे हिंदू संगठन हमारे साथ हैं। जो भी भगवादारी का अपमान करेगा वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हेलो, हमारे संघ 60 लोग अंदर बंद थे और बाकी सब लोग बाहर थे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।